बहुत प्यारे बच्चे हैं सिस्टर, ये लो, ये आपके लिए, ये आपके लिए और ये आपके लिए। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? पिंकी। ओह व्हाट अ लवली नेम। मुस्कुराओ, ठीक है ना सिस्टर? देखा, बोला था ना तेरे को कितने नेक है मेरे भाई साहब। कभी मैं भी इन गरीब लाचारों की तरह था, मेरी माँ इनकी नौकरानी थी, मगर इन्होंने मुझे छोटे भाई की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। एक्सक्यूज मी, आओ राजा, आओ आओ बैठो, प्लीज कम। कहाँ थे भाई इतने दिन, आजकल तुम्हारा कोई पता ही नहीं, लगता है बहुत तरक्की कर रहे हो। भाई साहब बोलो कैसे आना हुआ? ये जया है। हेलो। हेलो। वो रमना था ना अपने गांव में, हाँ। उसकी बहन है। अच्छा, अपनी भी बहन जैसी है। अच्छा भाई, इसको बहुत प्रॉब्लम है। क्यों, क्या हुआ? इसके पास कोई नौकरी नहीं है, रहने को घर नहीं है, और पढ़े लिखे भी है भाई। राजा तेरी कोई भी बात है जो मैंने आज तक नहीं मानी। देखो क्या नाम बताया, जया। मेरा काम है लोगों की मदद करना, और यहाँ इतना काम रहता है तुम जो चाहो कर सकती हो, और हमारा इतना बड़ा घर है, तुम चाहो तो यहाँ रह भी सकती हो। मैं तो कहता हूँ तुम नौकरी आज से शुरू कर लो, बस और कुछ। बोला था ना अपना भाई, भैया आज से आपके साथ रहेगी। ओके। नमस्ते। नमस्ते। थैंक्स। पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, ऐसी नौकरी, रहने के लिए घर। घबराओ मत, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन उससे पहले देखूं तो सही कि तुम दुल्हन बनकर लगती कैसी हो। जिंदगी में कुछ ऐसा भी होता है जो रात के अंधेरे में नजर आता है, लेकिन दिन की रोशनी में दिखाई नहीं देता। इंसान के चाहे जितने चेहरे हो, लोग वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। मैं बुरा आदमी नहीं हूं, क्योंकि लोग मुझे अच्छा समझते हैं। आज तुमने मेरा एक अनदेखा चेहरा देख लिया है, इस बात को राजी रहने देना। किसी से कुछ कहा तो उसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, समझ गई ना? हाँ। फिर से बोलो। हाँ।